हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग को कंप्लीट करेंगे और यहां पे हमारा पार्ट ए भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आई एम किशन बरा, दिस इज योर क्लासरूम कॉमर्स कक्षा। आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग में पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंट्रोलिंग का मतलब, कंट्रोलिंग के नेचर के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था और कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन किया था। दो पॉइंट्स बेसिकली हमारे चैप्टर में और डिस्कशन के, कंट्रोलिंग प्रोसेस और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि भाई कंट्रोलिंग की प्रोसेस आखिर होता क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से छोटे छोटे काम है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो इसको पढ़ने के पहले मान लो कि ओवरऑल भी मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई जाओ तुम जो है अपने घर में तुम्हारे स्टाफ जो काम कर रहे हैं, जो इम्प्लॉयज तुम्हारे काम कर रहे हैं, तुम उसका देखो कि उन्होंने जो चीज़ किया है, जो काम किया है, परफॉर्म किया है, वो ठीक से परफॉर्म किया है कि नहीं किया। अगर मैं आपको इन जनरल भी बोलूँ, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में अपन लोग यही तो करते हैं ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो मैं वही बोला कि जाओ तुम जरा सा अपने घर में जो तुम्हारे काम कर रहा है लोग, जो स्टाफ्स हैं, जो तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम जाओ और उनका तुम देखो कि उन्होंने जो एक्चुअली जो परफॉर्म किया है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन दूंगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग जो है बोलोगे कि ठीक है सर, तो आप मेरे को ये तो बताइए, स्टैंडर्ड्स तो बताइए कि आखिर आपने काम दिया क्या है, तब तो हम एक चेक करेंगे ना कि एक्चुअली में उन्होंने क्या किया और स्टैंडर्ड में क्या किया। तो मैंने आपको बोला, मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई मैंने उन लोगों को बोला है कोई एक सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हर घंटे 20 यूनिट्स कम से कम, मैंने उनको बोला है कि हर घंटे के बेसिस पे 20-20 यूनिट्स आप जो है गुड्स प्रोड्यूस कीजिए। और अभी उनको एक घंटे हुए हैं काम के, तो आप गए और आपने बोला कि ठीक है भैया बताइए क्या क्या काम आपने किया। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने 7 यूनिट जो है गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। आप वहाँ पे गए, आपने देखा, तो आपने देखा कि 7 यूनिट गुड्स जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद आपने सोचा कि अरे यार सर ने बोला था कि मैंने इसको बोला है कि भाई 20 यूनिट एक घंटे में बनाने हैं, इसने 7 यूनिट बनाया है, 20 यूनिट मैंने बोला है 7 यूनिट इन्होंने बनाया है, मतलब कि 20-7 मतलब कि 13 यूनिट कम बनाए हैं इन्होंने, 13 यूनिट्स कम गुड्स इन्होंने प्रोडक्शन किया है। फिर आप क्या करोगे, आप जो है आप उनको समझाओगे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, देखिए आपको जो है सर ने बोला था कि 20 यूनिट पर घंटे के हिसाब से बनाना है, आप मात्र जो है 7 यूनिट बना रहे हो, 13 यूनिट का जो है डिफरेंस आ रहा है, 13 यूनिट कम बना रहे हो, आप थोड़ा सा स्पीड अपने आपका तेज करो, आप जो है आपको और जो असिस्टेंट चाहिए वो बताइए और अपना स्पीड अप कीजिए, नहीं तो आपको जो है काम से निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन जनरल यही करेंगे ना, जो चीज़ मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम चीज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी होता है, ठीक है। कैसे एग्जैक्टली सेम चीज होता है इसको हम लोग समझाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो होती है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स है, मतलब सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना जिससे हम एक्चुअल्स को कंपेयर करें। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बोला कि मैंने एक वर्कर को रखा है जो कि पर घंटे के हिसाब से 20 यूनिट बनाएगा, सो दैट वाज द स्टैंडर्ड, यही स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है भाई, सबसे पहले हमको ये तो बताना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है तब तो हम उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग का मतलब है कि कंपेयरिंग द एक्चुअल्स विद द स्टैंडर्ड्स एंड अगर मैं फिर कोई डिविएशन है तो उसका करेक्टिव एक्शन लेने का। तो सबसे पहले यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले चीज स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, यही हमारा पहला स्टेप है कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, मेरे केस में 20 यूनिट था। फिर क्या है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, अब हम मेजर करते हैं कि भाई एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस हुई है वो कितनी हुई है। तो आपने वहां पे गए, आपने उनसे पूछा और फिर आपने काउंट किया, तो आपने देखा कि अरे यार 7 ही यूनिट बने एक घंटे में, आपने घड़ी देखो और आपको लगा कि अरे यार एक घंटे हो गए और अभी तक 7 यूनिट्स ही बने। तो फिर आप क्या करें, आपने जो एक्चुअली में जो परफॉर्म हुआ है, एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको आपने काउंट किया, उसको आपने मेजर किया। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप था, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं। आपको याद है जब मैंने एग्जांपल दे रहा था, जब मैं आपको उसका पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था अरे यार सर ने तो 20 यूनिट बोला था, इस भैया ने तो मात्र 7 यूनिट अभी तक बनाया है, 20 यूनिट सर ने बोला था, 7 यूनिट बनाया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत सिंपल था, बट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, हजार वर्कर काम कर रही है वो, तो देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये जो चीज है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई एक्चुअली में हमने क्या सोचा था और स्टैंडर्ड में हमारे क्या हुआ, एक्चुअली में हमने इतना सोचा था, स्टैंडर्ड में हमारे इतना हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल कंपैरिजन, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। फिर क्या है, फिर है एनालाइजिंग डेविएशंस, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ से दो एरो निकाले, एक मैंने लिखा है पॉजिटिव डेविएशन, एक मैंने लिखा है निगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने सिर्फ कंपेयर ही है कि भाई हमने 20 सोचा था सात हुए, 20 सोचा था सात हुए। अब हम देखेंगे कि भाई डेविएशन कितना का आ गया। 20 सोचा था मतलब क्या है? मतलब चलो इसको मैं एक टेबल से समझाता हूँ। देखिए मैं आपको जिसको जो है टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा प्लैंड, फिर हो गया हमारे एक्चुअल्स, और फिर हो गया हमारा डेविएशन। केस ए बी एंड देन सी। तो मान लीजिए कि हमने जो है प्लान कितना किया था, हमने प्लान किया था मान लो कोई 20 यूनिट्स। ठीक है, और एक्चुअली में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, एक्चुअली में भी कितने हुए 20 यूनिट प्रोड्यूस, तो डेविएशन कितना होगा? 20 माइनस 20 विल बी जीरो, देयर इज नो डेविएशन। बट ऑन द अदर हैंड कि हमने प्लान किया था कि भाई हमारे 20 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए, एक्चुअली में कितने प्रोड्यूस हो गए, एक्चुअली में प्रोड्यूस हो गए 30 यूनिट। ठीक है, हमने प्लान किया था कि भाई 20 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए, एक्चुअली में 30 यूनिट प्रोड्यूस हो गए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपके हुए कितने? 30। आपने सोचा कितना था? 20 होने का। तो ये जो डेविएशन है ना, ये 10 आया क्या पॉजिटिव में, ये जो डेविएशन है ये 10 आया पॉजिटिव में। हम लोग डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड या प्लान्ड। मतलब हमने एक्चुअली में सोचा, मतलब हमारे एक्चुअली में हुआ इतना और हमने सोचा था बहुत ज्यादा। तो अगर हमने सोचा था बहुत ज्यादा, हुआ कम, तो ये क्या, ये निगेटिव डेविएशन है। बट हमने सोचा था बहुत कम और हो गया बहुत ज्यादा, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। जैसे कि हम आपको तीसरा केस बताते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने प्लान किया था कि मेरे को 20 यूनिट चाहिए और आपका मिला 7 यूनिट। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे ना, अपन कैसे करेंगे, 7 माइनस 20 मतलब कि माइनस 13। ये क्या है, ये निगेटिव है। तो यही चीज मैंने बताया कि जब अपन डेविएशंस को एनालाइज करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे प्लान इतने थे एक्चुअल इतने, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हमारा प्लान हमने इतना किया था और एक्चुअली में इतना आ गया, एक्चुअली में ज्यादा आ गया, तब तो ये जो हुआ ये अच्छा हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव डेविएशन। मान लो कि हमने सोचा कम था, हो गया ज्यादा, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन, है ना। बट मान लो कि हमने सोचा ज्यादा था, हुआ कम, सो दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन। अब देखो कौन सा डेविएशन पॉजिटिव है, कौन सा डेविएशन नेगेटिव है ना, ये डिपेंड करता है। इसका कोई थंब रूल नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आप प्रॉफिट्स को एनालाइज कर रहे हो, आपने सोचा था कि मेरे को 2 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ का, सो दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट सोचा था बट 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, सो दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। ऑन द अदर हैंड मान लो कि आपने सोचा था लॉस, यहाँ पर हम लोग लॉस एनालाइज कर रहे हैं, आपने सोचा था कि हमको 2 करोड़ का लॉस होगा, हो गया 3 करोड़ का लॉस, सो दैट इज अगेन अ नेगेटिव डेविएशन। 2 करोड़ का लॉस, 3 करोड़ का लॉस, हो गया कितना? 3 करोड़ का लॉस, तो दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन। सो इसको कोई रट्टा मत लगाइएगा कि प्लान माइनस एक्चुअल करेंगे, एक्चुअल माइनस प्लान करें। वो जब आप फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप एकदम सही सटीक बैठेगा, है ना। जैसे मान लो कि आप कोई लाइबिलिटी जब अपन अज्यूम कर रहे हैं कि हमने सोचा था कि इसकी लाइबिलिटी जो है वो आएगी 10 लाख रुपए की, लेकिन लाइबिलिटी आ गई 20 लाख रुपए की, सो दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन। तो परफॉर्मेंस आप किस कौन से चीज को जज कर रहे हो, सो दैट इज वास्टली डिपेंडेंट। एनालाइजिंग डेविएशंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेविएशंस देखते हैं कि हमने जो सोचा था और जो हुआ उसमें कितना का डिफरेंस है। अगर जो हमने सोचा था उससे अच्छा हो गया, आप ऐसे समझो कि हमने जितना सोचा था उससे अच्छा हो गया, सो दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। हमने जो सोचा था उससे खराब हो गया, सो दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जब ये हो गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। करेक्टिव मेजर कब लेंगे, जैसे मान लो कि इसका मैं मेजर्स भी आपको बता दूं कि मान लो कि पॉजिटिव डेविएशन है तब क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन है तब क्या करेंगे। तो मान लो कि जब पॉजिटिव डेविएशन है, आपने सोचा था कि मेरे को 10 लाख रुपए का फायदा होगा, फायदा 20 लाख रुपए का हो गया, तो अगले बार आप क्या करोगे, अगले बार आप अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करोगे। व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड। और मान लो कि आपने सोचा था कि मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जो हुआ वो 5 लाख का हुआ, तो आप ये देखोगे, आप उसको एनालाइज करोगे और उसके बाद आप ये देखोगे कि यार क्यों हुआ। अगर मान लो कि आपके स्टैंडर्ड्स ही बहुत अनरियलिस्टिक थे तो आप अपना स्टैंडर्ड रिड्यूस करोगे। अगर मान लो कि आपके स्टैंडर्ड एकदम ठीक थे, कहीं पे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उसके हिसाब से आप करेक्टिव मेजर्स लोगे कि भाई प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ गई, या सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ गई, या फिर हमारे इंप्लॉयज जो थे वो उतने स्किल्ड नहीं थे, क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से हमने सोचा था कि भाई हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, बस प्रॉफिट कम हुआ। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कि नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा, मतलब एक फ्लो है, इसका रट्टा नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको भाई स्टैंडर्ड सेट करना है। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाए तो फिर हमको जो एक्चुअली में परफॉर्मेंस हुआ उसको मेजर करना है। जब वो भी मेजर हो जाएगी भाई एक्चुअली में जो हुआ है वो उतना ठीक हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर हमको कंपेयर करना है कि हमने जो सोचा था जो हुआ, जो सोचा था हमने हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ क्या हुआ।
अगर मान लो कि कुछ डेविएशंस है तो फिर उस डेविएशंस के लिए करेक्टिव एक्शन लेना है। दिस इज व्हाट वी हैव द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब क्या है हमारे पास में, अब एक छोटा सा रिलेशनशिप पर डिस्कशन है। इस रिलेशनशिप में हम लोग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के ऊपर में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। प्लानिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग व्हाट टू डू, हुम टू डू, मतलब बाय हुम टू डू, हाउ टू डू, ये सब चीज सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किस काम को कैसे परफॉर्म करना है नहीं करना है। दिस इज व्हाट वी स्टडी इन प्लानिंग, ये होती है प्लानिंग में। और कंट्रोलिंग में क्या होती है, कंट्रोलिंग में होती है कि भाई जो हमने सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों चीज जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। क्यों भाई? क्योंकि मान लो कि जब आपने प्लान किया, कुछ चीजें प्लान की, तभी तो आप फिर कंट्रोल करते हो ना। मान लो कि आप कंट्रोलिंग ऐसे तो नहीं करोगे, आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यू शुड हैव सम स्टैंडर्ड्स। तो वो स्टैंडर्ड्स कहाँ से आएंगे, वो तो प्लानिंग से ही आते हैं ना। मान लो कि आपने प्लान किया कि मेरे को 95% लाने हैं, आपको बोर्ड्स में आ गए 90%। तो आपने प्लान किया कि मेरे को 95% लाने, तब तो जब आप कंट्रोलिंग करोगे, आप जब एनालिसिस करोगे कि यार क्यों मेरे को 5% कम आए, तो देयर शुड बी सम बेंचमार्क। मान लो कि आपके पास में कोई बेंचमार्क नहीं, आपने कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे को कितने परसेंट लाने नहीं लाने, आप बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और फिर बोर्ड्स में आ गए आपके 95% या 90% लेट से, तो फिर आप कंपेयर किससे करोगे। तो इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, वो दोनों में इंटर रिलेटेड है। क्यों भाई? क्योंकि प्लानिंग से ही बेस मिलता है, प्लानिंग से वो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं जो कि अपन कंट्रोलिंग में कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। क्या है भाई कि प्लानिंग में ही वो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, वो मेजर्स मिलते हैं जिससे कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या यूं कहें कि कंट्रोलिंग हम जो भी चीज करते हैं वो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए करते हैं कि जो हमारे प्लान्स हैं वो ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, कंट्रोलिंग हम लोग इसी के लिए करते हैं कि जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव सब अचीव हो पाए। सो दिस इज व्हाई वी से कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो हाईली डिपेंडेंट है, हाईली जो है इंटरलिंक्ड है। दिस इज व्हाई वी से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में छोड़ दी है, उसको आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भैया ने पढ़ाया नहीं है, वो एक्चुअली में सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में है, अलग अलग ऑथर्स ने अपने बुक्स को रिवाइज करके उनको भी हटा दिया है, बट एनसीईआरटी के बुक्स में है। तो आप लोग उसको डरिएगा मत कि यार एग्जाम में तो नहीं आएगा, देयर आर मतलब ऐसा अश्योर्ड रहिए कि एग्जाम्स में नहीं आएंगे क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिए गए, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर जो है पार्ट ए हमारा समाप्त होता है, और एक मेंशन मैं करना चाहूंगा, मेघा लखोटिया इन्होंने ये बुक दिया था मुझे, जिसने बहुत असिस्टेंस दिया मेरे को। एक्चुअली जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास में बहुत सारे बुक्स होते थे, बट फिर मैंने बहुत सारे बुक्स सबको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दिया। तो एक क्रेडिट है कि जो भी मैं आपको पढ़ाया उसमें जहाँ पे भी मेरे को बुक्स के रेफरेंस की जरूरत थी, तो मेघा लखोटिया का बुक्स मैंने रेफर किया था। ये मेरी दीदी के हॉस्टल में रहने वाली एक दीदी की फ्रेंड है। सो थैंक्स टू मेघा, थैंक्स टू एवरीवन जिसने पूरे पार्ट ए ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के साथ मेरा साथ दिया, मेरे वीडियोस को देखे। आपको कुछ फायदा हुआ होगा तो जरूर अप्रिसिएट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। इसमें इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ, अकाउंट्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय।